अकाल जी सारयां नूं स्वागत करदी आ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते अज है 14 सितंबर 2021 अते अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे 14 सितंबर 2021 दे करंट अफेयर दे जिन्ने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनदे ने ओह सारे मैं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगी अते हरेक क्वेश्चन दे नाल रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं तुहानूं दस्सांगी सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना ते नाल ही नाल मैं रिक्वेस्ट करदी आ उहनां विद्यार्थियों नूं जिन्हां ने हजे तक भी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करके ऑल बटन ते प्रेस कर लो तां जो मेरे आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानूं मिलती रहे। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे को हाल ही विच भुपेंद्र रजनीकांत पटेल किस राज दे नवें मुख्यमंत्री बने हन। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी गुजरात। हाँ जी रीसेंटली भुपेंद्र रजनीकांत पटेल आ जिहड़े इह गुजरात दे नवें मुख्यमंत्री बने हैं जिवें कि कल आपां वीडियो दे विच क्वेश्चन कीता सीगा कि विजय रूप पांडे सीगे इत्थों दे जिहड़े चीफ मिनिस्टर सीगे मुख्यमंत्री सीगे उन्होंने अस्तीफा दे दिता ते हुण नवें बने भुपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है ये तुसीं याद रखना। गवर्नर हैगे आ जी आचार्य देवरथ। ठीक है इन्ना तुसी गुजरात के बारे याद रखना। गुजरात की कैपिटल हैगी या गांधी नगर। चीफ मिनिस्टर हैगे ने जेडे कि रीसेंटली हुण बने आ भुपेंद्र रजनीकांत पटेल ते कैपिटल हैगी जी गांधी नगर। किसान सूरज देव योजना शुरू हुई दुनिया का सब तो वड्डा जिंक समेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा वा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात के शुरू हुई। गिरी नैशनल पार्क ये एशियन लॉयंस के लिए फेमस आ। शिवराजपुर बीच आ जिहड़ा वह भी गुजरात दे विच आ ते शिवराजपुर बीच नूं रीसेंटली ब्लू फ्लैक्स सर्टिफिकेट मिलिया ते कित्थे आ द्वारिका दे विच आ। ठीक है सरदार सरोवर डैम भी गुजरात दे विच आ। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन आ मेरे कोले हाल ही विच अजीज़ अखनौच नूं किस देश दा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर ए मोरोक। मोरोक देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वा अजीज़ अखनौच नूं ये तुसी याद रखना। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन आ मेरे को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की आ। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी सभ्याचार मंत्रालय। हाँ जी सभ्याचार मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ की शुरुआत की है। हुण तुरंत माइंड दे विच इस तरह आ जाता वा कि सभ्याचारक मंत्रालय के जिहड़े मंत्री उह कौण आ तो उह हन जी जय किशन रेड्डी। ठीक है ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन T20 विश्व कप 2021 लई भारतीय टीम का सलाहकार किस नूं नियुक्त किया गया वा। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी। हाँ जी T20 विश्व कप 2021 दे लई भारतीय टीम का सलाहकार महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किया गया है। नैक्सट क्वेश्चन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही विच राष्ट्रपति दे रंग अवार्ड नाल किस INS नू सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है जी मेरे को INS हंसा। हाँ जी INS हंसा नू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रीसेंटली राष्ट्रपति दे रंग अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया वा। ठीक है साडे राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को हाल ही विच उत्तर प्रदेश के किस शहर विच राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनीवर्सिटी का नींव पद्धर रखा जाएगा। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। हाँ जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के विच राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनीवर्सिटी का नींव पद्धर रखा जाएगा। ठीक है ये तुसी याद रखना। हुण देखो उत्तर प्रदेश के विच अलीगढ़ के विच जिहड़ा नींव पद्धर रखा जाएगा किन्नी तरीके की निश्चित की आ। हाँ जी 14 सितंबर निश्चित किया गया वा तो यदा उद्घाटन कौन करनगे नरेंद्र मोदी करनगे। ठीक है ये भी तुसी याद रखना।
14 सितंबर यानी कि अज करनगे, नरेंद्र मोदी करनगे। तो यदा जिहड़ा नींह पत्थर रख्या जाना वा कित्थे रख्या जाना वा, अलीगढ़ दे विच रख्या जाना वा। महेंद्र प्रताप सिंह यूनीवर्सिटी इहदा नाम आ, तो यह 2023 दे तक बन के तैयार हो जाएगी। इस विच आगरा यूनीवर्सिटी के अंडर जिहड़े 395 कॉलेज आउंदे आ उह कॉलेज भी इहदे नाल जुड़ जाणगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी की आ, लखनऊ। चीफ मिनिस्टर कौन ने, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन ने, आनंदी बेल पटेल। उत्तर प्रदेश दे विच अलकनंदा, अकरूच शुरू होया। तो ये क्वेश्चन आ जिहड़ा हैड कॉन्सटेबल के पेपर के भी पूछा गया वा कि उत्तर प्रदेश दे विच अलकनंदा अकरूच कित्थे शुरू होया, तो यह जी बनारस दे विच होया वा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विच हस्तशिल्प पार्क बनिया, तो कित्थे बनिया वा, नोएडा दे विच। उत्तर प्रदेश दे विच IUC यूनीवर्सिटी बनी, ये कित्थे बनी आ, गोरखपुर दे विच। उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता राज आ जिथे हरेक पंचायत दे लई पंचायती घर बनाया जाता है, गया वा। ठीक है, दुधवा नैशनल पार्क उत्तर प्रदेश दे विच आ। कतन्या घाट वायरलैस सेंचुरी उत्तर प्रदेश दे विच आ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश दे विच आ। उत्तर प्रदेश दे विच मडुआ डी नाम का रेलवे स्टेशन आ जिहदा नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिता गया वा। इन्ना तुसीं याद रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। नैक्सट क्वेश्चन आ जी मेरे को, हाल ही विच किस ने BSF दे नवें DG वजों आउंदा संभालिया है। राइट आंसर आ जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार सिंह। हाँ जी, पंकज कुमार सिंह ने BSF दे नवें DG वालों आउंदा संभालिया है। हाँ जी, BSF का मतलब की आ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सिस। तो पंकज कुमार सिंह ये 1948 दे विच IPS अधिकारी बने सी। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ मेरे को, MSME गाहकां लई किस बैंक ने बिस्पोसगो ऑल इन वन स्पाइपिंग मशीन लॉन्च की आ। राइट आंसर आ जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका बैंक। हाँ जी, कर्नाटका बैंक ने गाहकां दे लई बिसेपो सगो ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन आ जिहड़ी लॉन्च की आ। हुण देखो, MSME का मतलब की आ, इहदा मतलब हैगा जी माइक्रो समॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस गाहकां दे लई जिहड़ी इह वाइस पोसगो आ, वैसे इहदा नाम। ठीक है जी, वाइस पोसगो ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन आ जिहड़ी लॉन्च की गई आ, वाइज पोसगो। हाँ जी, हुण देखो असी गल कर रहे सी कर्नाटका बैंक की, यदि स्थापना कदों हुई आ, 1924 ईस्वी के हैडक्वार्टर कित्थे आ, मंगलौर दे विच। ते CEO कौन ने, महाबलेश्वर एम्स। ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन आ जी मेरे को, देखो हुण तुसी करंट अफेयर किन्ने पेपर दे चुके हो 2021 दे विच, ते इन्हां पेपरां दे विच ही तुसी देख लो कि हरेक पेपर दे विच एक क्वेश्चन आ जिहड़ा बैंक दा पुछया जांदा वा। कहदा पुछया जांदा, बैंक दा, एक कोई नैशनल पार्क दे विचों पुछया जांदा वा। चलो, बैंक नाल रिलेटिड तां आपां की करदे आ डेली, हाँ जी, बैंक नाल रिलेटिड तां करंट अफेयर दे विचों ही आउंदा वा। ठीक है, वह पुछया ही जांदा वा। तो अवार्ड एक पुछया जांदा वा क्वेश्चन अवार्ड दे विचों कि कहड़ा अवार्ड किसनों मिलिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जिहड़े, इस करके कहने आ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। 2 क्वेश्चन तो ये सीधे ही पुछे जाते हैं, कोई बुक का पुछया जाता वा, बैंक का पुछया जाता वा कि बुक किने लिखी, अवार्ड वाला। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपां डेली करते ही करते हैं, जो भी कोई नवी करंट न्यूज़ आती है वो। ठीक है जी, इस करके बैंक वाले क्वेश्चन पूरे ध्यान दे नाल करिया करो, कोई पता नहीं कि उन्होंने किहड़ी बैंक बारे पूछ लेना वा। अगे देखो, नैक्सट क्वेश्चन आ मेरे को, हाल ही विच HPCL ने किस शहर विच अपनी पहली ब्रांडेड स्टोर हैप्पी दुकान खोली है। HPCL ने किहड़े शहर विच खोली है। राइट आंसर आ जी मेरे को, मुंबई दे विच खोली आ। इन्होंने अपनी पहली ब्रांडेड स्टोर हैप्पी दुकान आ जिहदा नाम। ठीक है, HPCL का मतलब की आ, हिंदुस्तान पेट्रोलीयम कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये की आ, पेट्रोल तो इलावा बाकी सारे प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, जिमें कपड़े खाने वाली चीज़ा सब कुछ जोड़ा भी होंगे वा
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਮਤ ਧਨਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਮਤ ਧਨਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਮਤ ਧਨਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਕੈਨਵਰਾ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੋਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਕੋਟ ਮੋਰਿਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੰਪ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਪੰਪ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਪੰਪ ਬੈਂਕ ਇਹ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ US ਓਪਨ ਵੂਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਮਾ ਰਾਡੂਕਾਨੂ। ਐਮਾ ਰਾਡੂਕਾਨੂ ਨੇ US ਓਪਨ ਵੂਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।